चैप्टर ऑफ हिस्ट्री के मौजूद सामईन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं तैयब बशीर और आप चैप्टर ऑफ हिस्ट्री में देख रहे हैं तारीख हिंद के सिलसिले की एपिसोड नंबर 69। ये जंग अजीम दुनिया की तारीख में अपनी नज़ीर नहीं रखती। इसमें 3 करोड़ से ज़्यादा आदमी शामिल थे। दुनिया की तकरीबन हर कौम इसमें शामिल थी। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और बल्गारिया थे, जिन्हें अक्वामे वुस्ता कहा जाता था, जबकि दूसरी जानिब इंग्लिस्तान, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, यूनान, अज़ला मुत्तहिदा अमरीका और कई छोटी कौमें थीं। ये मुत्तहिदा ताकतों के नाम से पुकारे जाते थे। दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। जंग का ऐलान होते ही सल्तनत बरतानिया की तमाम 9 आबादियों, जिनमें कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और दीगर ममालिक की जो सल्तनत में शामिल हैं, सिपाही, रुपए और सामान जंग इंग्लिस्तान भेजकर मादरे वतन की मदद की। हिंदुस्तान भी सल्तनत बरतानिया के दीगर ममालिक की तरह मदद देने के लिए हर वक्त मुस्तैद और कमर बस्ता रहा। हिंदुस्तान के 700 शहजादों और वालिया ने रियासत में से हर एक ने अपनी ज़ाती खिदमात, अपनी तलवार, अपनी अपनी फौज और अपना ख़जाना, गर्ज ये कि जो कुछ भी उनके पास था, शहनशाह मुअज़्ज़म की इमदाद के लिए पेश किया। तमाम ब्रिटिश हिंद में जलसे मुनाक़िद हुए, जिनमें तकरीरें करने वालों ने बाआवाज़े बुलंद ये ऐलान किया कि इस मौका पर वो सल्तनत की इमदाद और हिफाजत के लिए दिलो जान से तैयार रहें और हत्तुल वसी कोशिश करें। शहजादों की एक कसीर तादाद में से जिन्होंने मैदान जंग के लिए अपनी ज़ाती खिदमात पेश की, वायसराय साहब ने 10 बड़े वालियाने रियासत को और बहुत से छोटे छोटे रऊसा को मुंतखब किया। इनमें जोधपुर, बेकानीज, रतलाम और किशनगढ़ के फरमारवा भी शामिल थे। इन सब के पेशरो, काबले ताज़ीम, सन रसीदा राजपूत, जंग आजमा महाराजा प्रताप सिंह थे, जो राजपूतों के राठौर वंश से ताल्लुक रखते थे। उस वक्त उनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा थी। पहले तो वायसराय आपकी पैराना साली के बायस आपको मैदान जंग में भेजने के लिए रजामंद ना थे, लेकिन जब आपने चिल्लाकर कहा क्या जंग होने वाली है और मैं इसमें शामिल ना होऊंगा, मैं अपने शहनशाह के लिए खून बहाने की गर्ज से अपना हक पेश करता हूँ, मुझे मैदान जंग में भेजो, मैं इस बारे में किसी तरह का इनकार मंजूर ना करूंगा, तो महाराजा प्रताप सिंह का यह इसरार देखकर लॉर्ड हार्डिंग ने आपको मैदान जंग में जाने की इजाजत दे दी। आप रियासत जोधपुर के वली हैं और पहली लड़ाइयों में भी, जो कि चित्राल और दीगर मकामात में सरहदी फिरकों से हुई थी, गवर्नमेंट के हमेशा साथ रहे हैं। चीन में भी आप अपनी फौज जोधपुर लांसर्स के सिपा सालार बनकर तशरीफ ले गए। आप मैदान जंग में इतिहादी फौज के एक जर्नैल बनाए गए। आपके हमराह आपके भतीजे महाराजा जोधपुर भी थे, जो एक 16 साला शानदार बहादुर नौजवान थे। दीगर वालियाने रियासत ने, जिनमें हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर, इंदौर, कश्मीर और खान कलात ने फौजों के लिए सिपाही, घोड़े, ऊंट, बंदूकें और रुपया नज़र किया।
राजा नेपाल ने और दलाई लामा तक ने भी, जो कि हिंदुस्तान से बाहर हैं, अपने मोतमद मददगार शहनशाह हिंद को आदमियों और रुपए से मदद दी। 4 अगस्त 1914 को ऐलान जंग हुआ और सितंबर और अक्टूबर में बरतानिया की हिंदुस्तानी फौज के पहले डिवीजन अपने कमांडर इन चीफ सर जेम्स निकोलस की जेरे कमान फ्रांस पहुंच गए। इसमें अंग्रेजी और हिंदुस्तानी दोनों पलटनों के जवान शामिल थे। ये 24,000 जवानों की एक नहायत शानदार मगर मुख्तसर सी फौज थी। इसका हर जवान एक सुरमा सिपाही था। हिंदुस्तानी फौज में शुमाली और मगरबी हिंदुस्तान की जंगजू कौमों के चीदा चीदा जवान मौजूद थे। बहादुर राजपूत, सुरमा सिख, बुलंद कद खूबसूरत पंजाबी मुसलमान, खंदा पेशानियों पस्त कद गोरखे और गढ़वाली तनोमंद डोगरे और जफाकश जाट सब इस फौज की शान बढ़ाते थे। अंग्रेज सिपाही और हिंदुस्तानी सुरमा सब एक दूसरे के साथी और हथियारबंद भाई थे। सब पहलू ब पहलू दादे शुजात देने के लिए और अगर जरूरत हो तो अपने मुल्क और शहंशाह के लिए जान पर खेल जाने के लिए बेकरार थे। अगरचे उनका एक खौफनाक दुश्मन से मुकाबला था, लेकिन इसकी इनमें से किसी को फिक्र ना थी। माहे नवंबर 1918 में यह जंगे अजीम खत्म हुई। अहले जर्मन और उनके हमराहियों ने शिकस्तें फाश खाई और सुलह के मुलतजी हुए। उनका कैसर अपने तख्तो ताज से दस्त बरदार होकर एक गैर जानिबदार मुल्क हॉलैंड में पनाह गुजीं हुआ, जहां के वो हर तरह से महफूज था। 11 नवंबर 1918 को फरीकैन आर्जी सुलह पर रजामंद हो गए, यानी सुलह का आखिरी ऐलान होने तक लड़ाई बंद कर दी गई। अहले जर्मनी को मजबूरन अपनी फौजें बर्खास्त करनी पड़ी और अपने जंगी जहाज, तोपें और तमाम मल जो उन्होंने पामाल किए थे फातहों के हवाले करने पड़े। तमाम मुत्तहिदा ताकतों की एक कॉन्फ्रेंस अप्रैल 1919 में पेरिस के दारुल खिलाफा फ्रांस में मुनक्किद हुई, ताकि आखिरी सुलह की शराइत तय की जाए और इस अमर का फैसला किया जाए कि जर्मनी को इसके जरायम की पादाश में क्या सजा मिलनी चाहिए। पहली जंगे अजीम में हिंदुस्तान के 13 लाख फौजियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 74,000 से ज्यादा मारे गए।